रिएक्शन पर। मैं हूं नीलम और फ्रेंड आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं मीठा पुआ बनाने की रेसिपी। फ्रेंड ये रेसिपी मैंने बिना गुड़ और बिना चीनी के बनाई है। मैंने ये रेसिपी एक सीक्रेट चीज़ से बनाई है जिससे ये मीठा पुआ बना है और इसमें मैंने गुड़ और चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो फ्रेंड ये रेसिपी जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगी फ्रेंड, उस पर भी क्लिक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड मैंने मीठा पुआ बनाया है इन छोटे छोटे दानों से और ये दाने बहुत ही मीठे होते हैं। इनकी मिठास के आगे गुड़ और चीनी की मिठास भी बेकार होती है। फ्रेंड इनका पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लोग इनकी रेसिपी बनाकर बहुत ज़्यादा खाते थे और ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बल बढ़ती होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन दानों को नहीं पहचान रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है और बहुत सारे लोग जो पुराने हैं वह ज़रूर जानते होंगे कि ये क्या है। फ्रेंड ये है महुआ, ये महुए का जो फूल होता है ये वही फूल है। इस फूल को सुखा दिया जाता है तो ये इस तरह से हो जाता है। ये महुआ है और इसको भिगोकर इसको पीसकर हम इसका मीठा पुआ बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और सोंधी सी सुगंध वाला होता है और आपको भी फ्रेंड ये ज़रूर पसंद आएगा। ये किसी पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं और जिन लोगों का गांव से संपर्क होता है वह गाँव से इसे मंगवा सकते हैं। फ्रेंड महुए के अंदर कुछ रेसे होते हैं जो कि जीरे की तरह दिखते हैं और उन्हें निकालना ज़रूरी होता है वरना पूरा पुआ ख़राब हो जाता है। फ्रेंड इन रेसों को निकालने के बाद ही आप इसको भिगोएं। तो महुआ हमारा फ्रेंड पहले से ही साफ़ किया हुआ था इसलिए मैं रेसों को आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो फ्रेंड इस महुए को हम लगभग 7-8 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसको हम शाम को भिगो रहे हैं और इसको हम कल सुबह बनाएंगे। इस कटोरे से नापकर हमने एक कटोरा महुआ भिगोया है और उसी हिसाब से मैं इसमें आटा डालूँगी। तो फ्रेंड अब हम इसको धुल कर भिगो देते हैं। महुए को हमने अच्छे से मसल कर धुल लिया है, जैसे चावल आप धुलते हैं वैसे इसको मसल कर धुलना है ताकि इसके ऊपर की सारी डस्ट निकल जाएगी। तो इसको हमने धुल लिया है। एक चौथाई कप में पानी डालूंगी और इसे रात भर के लिए भिगो दूंगी। फ्रेंड इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है और अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो पानी फेंकना नहीं है, आपको उससे आटा गूंथ लेना है क्योंकि इसके पानी में बहुत ज़्यादा पोषण होता है और सारी मिठास पानी में निकल जाती है। मैं यहाँ चम्मच की सहायता से 7-8 चम्मच पानी डाल रही हूँ। आपको लगभग 1/4 कप पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना पानी इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो आपको उसको फेंकना नहीं है। तो इसको हम ढक देंगे। 3-4 घंटे बाद इसे एक बार फिर से चम्मच से आप चला सकते हैं या ऐसे ही टॉस कर सकते हैं जिससे ये चारों तरफ अच्छे से फूलेगा। इसको बीच में एक बार देख कर इसे घुमाना ज़रूरी होता है फ्रेंड, वरना ये फूलता नहीं है। तो इसको इस तरह से टॉस कर देंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसे ढक देना चाहिए। आप अगर दिन में भिगोते हैं तो आप सुबह भिगोएं और रात में बनाएं, इस तरह से आपको करना है। जिस तरह से आप दाल भिगोते हैं तो उसमें टाइम लगता है वैसे ही इसमें भी टाइम लगता है। सुबह देखिए फ्रेंड हमारा महुआ बहुत ही अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको पीसेंगे। आप मिक्सी में पीस सकते हैं या आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं और महुआ फूल जाता है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से दबाने पर कट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। इसको पीसते समय फ्रेंड पानी नहीं डालना है, आपको ऐसे ही पीसना है। अगर पानी की ज़रूरत लगे तो आप 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से पीसकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाना होता है। इसको हमने पीसकर बहुत ही बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है फ्रेंड। तो ऐसे ही आपको भी बारीक पेस्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्रेंड जिस कटोरे से हमने महुए को नाप कर भिगोया था उसी कटोरे से मैंने एक कटोरा आटा लिया है। महुए को मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिया हुआ है। सफ़ेद तिल डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है और बहुत ही सुंदर स्वाद आता है। तो 2 चम्मच तिल भी हम इसमें डालेंगे जिससे हमारा पुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसको गूंथेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो पुआ हमें बनाना है उसका हम डो सिर्फ इस महुए के पेस्ट से ही तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसको गूंथ लेंगे। इसमें हमको खूब अच्छे से मसल मसल कर आटा मिलाना होता है जिससे इसमें काफ़ी आटा मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से हम ज़रूरत के अनुसार बीच बीच में आटा डालते हुए इसे मसलते जाएंगे जिससे सारा आटा इसमें ऑब्जर्व होता जाएगा। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर से हम इसमें आटा डालेंगे। सारा आटा एक बार में डालने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड,
तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें धीरे धीरे करके आटा डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको गूंथते जाएंगे। जितना हम महुआ डालते हैं इसमें उतना ही बराबर में हमें आटा भी डालना होता है, जिससे इसका डो अच्छा तैयार होता है। डो हमारा तैयार हो गया है, पर ये अभी हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है, तो थोड़ा सा आटा अभी हमारा बचा हुआ है, तो उसको भी हम इसमें डालकर इसको गूंथ लेंगे। अब इसमें हमें पानी नहीं लगाना है फ्रेंड, और उसको तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड, डो हमारा इस तरह से रेडी हो गया है और इसकी हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। तो फ्रेंड, अब हम इन छोटी छोटी लोइयों को पतला पतला बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटियां बेलते हैं, बस उसी तरह से हमको इसको बेलना है। तो इसको हमने बेल लिया है, अब हम इसको तलते हैं। हमने पहले से गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है, तो हमारा तेल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पुए को तलते हैं, तो पुआ हमने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल या सोयाबीन का तेल, कोई भी तेल आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से हम एक एक पुए को तल लेंगे। पुआ बहुत ही जल्दी फूलता है और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको बहुत ज़्यादा लाल ना करें, वरना ये जल जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हम दूसरा पुआ डाल देते हैं। पुआ हमारा फ्रेंड बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। अगर इसका डो सही से, बहुत अच्छे से पुआ फूलता है और बहुत ही अच्छे से पकता भी है। तो इस तरह से आपको पुआ पकाना है। मैं दूसरा भी दिखा देती हूँ आपको, ये भी फूल रहा है और इसको हम फिर से पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये एक तरफ से पक गया है और दूसरी तरफ से भी हम इसको पका लेंगे। तो ये भी रेडी हो गया है फ्रेंड, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड, इसी तरह से आपको पुआ लाल करके पकाना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, वरना ये जल जाता है। इन्हें तलते समय फ्रेंड गैस को मीडियम रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, पुआ हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू वाला पुआ हमारा तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, और आपने देखा कि बिना गुड़ और बिना चीनी के हमने इसको कैसे तैयार किया, और ये और इसमें ज़्यादा चीज़ों का हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, और बहुत ही स्वादिष्ट ये पुआ लगता है फ्रेंड। फ्रेंड, अगर आपको महुआ नहीं मिलता है तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर इसे ले सकते हैं। और फ्रेंड, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, इसको यूज करने से पहले इसके अंदर के जो फाइबर होते हैं, रेसे होते हैं, उन्हें आप ज़रूर निकाल दें। फ्रेंड, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले नोटिफिकेशन बेल पर फ्रेंड जरूर क्लिक करें, और हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।